और 1956 से मैं देख रहा हूँ कि बुद्धिस्ट एजुकेशन का बहुत लैकिंग है। मुझे लगता है कि समाज ने बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इवन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं तो ये इनका नैतिक और धार्मिक कर्तव्य था कि यहाँ बुद्धिस्ट एजुकेशन स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि मेरे जैसी, आप जैसे या फिर आने वाली जो जनरेशन है, आप ज़रा एक इंस्टीट्यूशन बताइए जिसमें हमारे अगर बच्चों को भेजना है कि 7 डेज कोई कोर्स है या 1 मंथ कोई कोर्स है या 2 मंथ या 3 मंथ कोई कोर्स है, तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये और पवित्र दीक्षा भूमि है, तो वहाँ यहाँ सिर्फ धम्म का ही काम होना चाहिए था यहाँ पे। बाकी दोस्तों, इस समय हम नागपुर की दीक्षा भूमि में हैं और आज बाबा साहब की जयंती है। यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि दीक्षा भूमि का जो महत्व है और आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती लोग मना रहे हैं, उस पर बंते जी क्या कहना चाहेंगे? हम इन सारे विषयों पर बात करेंगे। बंते जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमो बुद्धाय, जय भीम, धम्मा फ्रेंड्स। बंते जी, मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहेब की 133वीं जयंती, उसके उपलक्ष्य में सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बाबा साहेब हमारे मार्गदाता, मुक्तिदाता, हमारे परम पिता, जो भी एक अच्छा वर्ड हम चाहे वो हम उनको बोल सकते हैं, वो है। तो उन्होंने हमें जो गाइडेंस दिया है, उन्होंने हमें जो भी ये धम्म दिया है यहाँ दीक्षा भूमि पर, तो उसी को आदर और नमन करने के लिए हम आते हैं। क्योंकि बुद्ध धम्म में बोला गया है कि दो प्रकार के लोग मिलना बड़ा मुश्किल रहता है, एक वो कि जो उनके ऊपर कुछ उपकार करता है और उस उपकार को दूसरा स्मरण रखता है। तो बाबा साहेब ने हमारे पूरे भारतीय समाज पे और तो ख़ास करके जो अम्बेडकराइट समाज है उसके ऊपर बहुत उपकार किए हैं, और उसी उपकार को ध्यान में रखते हुए सारे लोग यहाँ आके उनको नमन करते हैं, उसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं। तो इसलिए हम भी हमेशा आता हूँ, मैं भी आता हूँ, लोग भी आते हैं, ये भी आए हैं यहाँ। आपको क्या लगता है, जो बाबा साहब ने जो हमें दीक्षा दी थी यहाँ पर करीब करीब 5 लाख लोगों को, और यहीं इसके बगल में चंद्रपुर है, वहाँ पे भी बताया जाता है 4-5 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी, मतलब अगर टोटल करें तो 10 लाख लोगों ने बाबा साहब के साथ में धम्म दीक्षा ली थी, आप उस कारवा को अभी कहाँ देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि लोग बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है, जो मार्ग बताया है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन हाँ कुछ परसेंट हुआ है। उसमें से एक मैं भी हूँ कि एक जो युवा अगर कोई इंसान अगर भिक्षु बनता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात रहती है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि अगर कोई युवा अगर भिक्षु बनता है तो चांद बादलों से मुक्त चंद्रमा जिस तरह से प्रकाशित करता है, उस तरह से वो इंसान प्रकाशित करता है। और बाबा साहेब ने जो हमें यहाँ जो धम्म दिया है, बाबा साहेब के बहुत सारे एक्टिविटीज़ रही है, पर उसमें सबसे जो मेज़र जो रोल रहा है उनका, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वो है बुद्ध धम्म की दीक्षा। क्योंकि बुद्ध धम्म यहाँ से ऑलमोस्ट चले गया था, और उस धम्म को जिन्होंने 2500 साल के बाद में रिवाइव किया, वो हमारे बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। और बुद्ध धम्म एक ऐसा धम्म है कि ये जीवन जीने की कला सिखाता है हमें, कि किस तरह से इंसान ने इंसान के साथ में रहना है ये हमें सिखाता है, किस तरह से हमने इस राष्ट्र का निर्माण करना है हमें ये सिखाता है, इंसान किस तरह से एक दूसरे के साथ में मैत्रीपूर्ण करुणा इसके साथ में रह सकता है विदाउट कोई जातिवाद किए, विदाउट कोई भेदभाव किए, विदाउट कोई पाखंड किए। एक धम्म ऐसा भी है कि जिससे हम परिपूर्णम और परिशुद्धम हम लोग कह सकते हैं, वो बुद्ध धम्म है। वो हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों का है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों का है। तो इसलिए बाबा साहेब भी हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान थे, तो उनको लगा कि ये मेरे समाज के लिए बहुत परफेक्ट धम्म है, तो ये सभी जो समाज के लोग हैं इसको ये आसानी से फॉलो कर सकते हैं, कि इसमें कोई कर्मकांड नहीं है और एकदम ईजी वे में हम धम्म को पालन इसको कर सकते हैं। हमने बाबा साहेब ने जो हमें बुद्ध धम्म दिया है, तो उसमें 22 प्रतिज्ञाएँ हमें बाबा साहेब ने दिए हैं। तो 22 प्रतिज्ञाओं में से हमें तो जो 4 है वो हमें नहीं करना है, जो नहीं करना है उसके लिए हमें दिमाग नहीं लगता है, पर जो करना है जिसमें हमें एफर्ट्स डालने का है तो उसके लिए हमें दिमाग लगता है, उसमें हमें प्रज्ञा लगती है, उसमें हमें धैर्य लगता है, उसमें हमें पेशेंस लगता है। तो वो है मुझे जो सबसे अच्छी वहाँ जो लगती है वो कि मैं सारे प्राणी मात्रा के प्रति करुणा करूँगा, क्योंकि जो करुणा का जो फैक्टर है
वो एकदम से आप डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक माँ को अपने बच्चे के प्रति करुणा रहना एक स्वाभाविक है, लेकिन एक कॉमन इंसान को सबके प्रति करुणा रखना, जैसे भगवान बुद्ध में करुणा थी, बौद्ध भिक्षु में करुणा रहती है, तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई कास्ट, रेस, रिलीजन, सभी के पास में जाके वो धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, सभी के पास में से खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, वो बीजेपी के पास भी जाते हैं, कांग्रेस के पास भी जाते हैं, बीएसपी के पास भी, और सबको सद्धम्म बताते हैं, सबको सद्धम्म बताते हैं। और मुझे ये लगता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने या फिर जो सही में धर्म के जो काम करते हैं, धम्म के जो काम करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो विरोधक लोग हैं उनके पास में जाके उनको धम्म बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है, जिनको पता नहीं उनको पहले जाके बताना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को भी जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने गया काश्यप, उर्वेला काश्यप और नदी काश्यप उनको टारगेट किया, उनके 1200 शिष्यों को पहले उन्होंने कन्वर्ट किया। तो हमें भी यही स्ट्रैटेजीज अपनाना चाहिए ताकि जो मिथ्या मान्यताओं में फंसे हुए हैं, कर्मकांडों में फंसे हुए हैं, तो हम उनको जाके उनको वहाँ से निकालें। तो ये जो काम है, ये बाबा साहेब ने भी 1956 में करने का प्रयत्न किया और उन्होंने अपने सोल्जर्स बनाए। सो हम भी सोल्जर है, आप भी सोल्जर है, तो इट इज़ कॉल्ड अ पीस सोल्जर, जो हमें शांति के साथ में हमें काम करने का है, कोई सी लड़ाई झगड़ा करते हुए काम नहीं करने का है, आगे वाले को समझाने का भी है, तो बड़े मैत्री के साथ में, करुणा के साथ में, प्यार से हमें उनको समझाने का है ताकि वो समझ जाए और वो गलत चीज़ें छोड़ देवे। तो ये जो सद्धम्म है, ये सद्धम्म जो जीवन जीने की हमें कला सिखाता है, किस तरह से आपसी व्यवहार रखे इसके ऊपर हमें बताता है, सेल्फ कंट्रोल बताता है, हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बताता है ये सद्धम्म। तो इसी सद्धम्म को हमें जनमानस तक पहुँचाना चाहिए और यही काम अभी हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुछ निर्माण कार्य मैंने देखा था फेसबुक में, आपने फ़ोटो डाली थी, वो आखिर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका कोई टेक केयर नहीं करता है, तो हम वहाँ एक ओल्ड एज होम बना रहे हैं ताकि बौद्ध भिक्षु जब बूढ़े हो जाएंगे, बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियाँ, तो वहाँ आके वो रह सकते हैं, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ का, ये पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा कि पॉजिटिव पेरेंटिंग्स और मेंटल हेल्थ, तो पॉजिटिव पेरेंटिंग, जब घर पे बच्चा होता है या गर्भ में आता है तो वो एक ब्लेसिंग्स रहता है अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए, तो उसकी परवरिश किस तरह से की जाए, ठीक है। और मेंटल हेल्थ, तो सभी को मेंटल हेल्थ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, तो इसलिए बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, पर भगवान बुद्ध सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, तो अगर उनके अगर हम लोग माइंड ट्रेनिंग लेते हैं, उनके बुद्ध धर्म का प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वहाँ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। तीसरा कि सबसे महत्वपूर्ण कि महाबोधि महाविहार का रिप्लिका बना रहे हैं। तो महाबोधि महाविहार, जैसे आपको पता है कि वो अभी ब्राह्मणों के हाथों में है और इस पर हमारा कोई कब्जा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में इतने सारे बुद्धिस्ट लोग हैं तो हम लोग महाबोधि महाविहार का एक रिप्लिका यहाँ बनाएं, तो जो लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग बूढ़े हो गए तो यहाँ आके वो दर्शन वहाँ कर सकते हैं, और वहाँ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ उसका भी हम लोग डिपार्टमेंट वहाँ ओपन कर रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ मेडिटेशन के द्वारा होने वाली है। बंती जी, जैसे नालंदा ट्रेडिशन है, मतलब वहाँ पे जो आपने कॉन्सेप्ट बताया कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता नज़र आ रहा है कि वहाँ पे भंते लोग को कहीं ना कहीं एजुकेशन मिलता है, मतलब शिक्षा के साथ साथ धम्म की भी शिक्षा मिलती है, क्या इसको भी आप लोग आगे करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इसलिए हम लोग वो इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशंस रहता है तो वो बुद्ध धम्म का एजुकेशन का ही काम करता है, और 1956 से मैं देखता हूँ कि बुद्धिस्ट एजुकेशन का बहुत लैकिंग है। मुझे लगता है कि समाज ने बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इवन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो ये इनका नैतिक और धार्मिक कर्तव्य था कि यहाँ बुद्धिस्ट एजुकेशन स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि मेरे जैसी, आप जैसे, या फिर आने वाली जो जनरेशन है, आप ज़रा एक इंस्टीट्यूशन बताइए जिसमें हमारे अगर बच्चों को भेजना है कि 7 डेज कोई कोर्स है, या 1 मंथ कोई कोर्स है, 2 मंथ या 3 मंथ कोई कोर्स है, तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये और पवित्र दीक्षा भूमि है, तो वहाँ यहाँ सिर्फ धम्म का ही काम होना चाहिए था यहाँ पे, बाकी आप साइंस, लॉ, ये अगर बाहर में पढ़ा सकते, कोई एक गुंडा भी एक कॉलेज खोल सकता है, उसमें उतना दिमाग नहीं लगता है, लेकिन जब बुद्धिस्ट एजुकेशन आप बात करते हैं तो उसके लिए दिमाग लगता है, उसके लिए स्टडी लगता है, उसके लिए प्रज्ञा लगती है। तो उसलिए जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो मोस्टली बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और सारे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है आप देखते होंगे तो बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी वो काम हो और भिक्खु संघ ही वो काम को आगे बढ़ाए। चलिए बंदे जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें साझा की, धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।